आज की डेट में यूट्यूब पर ग्रो करना है तो शॉर्ट्स एक आसान और काफी फास्ट तरीका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट्स पर ग्रो हो भी गए स्टिल इसे एक डेडिकेटेड और लॉयल ऑडियंस बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट यू नो व्हाट, इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सिर्फ 3 स्टेप्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसके बाद आई गारंटी तुम्हें तुम्हारे अलावा ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो शॉर्ट्स की सिंपल सी समस्या है कि इस पर लॉयल और डेडिकेटेड ऑडियंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर हम शॉर्ट्स चैनल बनाकर ग्रो कर ले एंड फिर उससे अपनी लॉन्ग वीडियोस को प्रमोट करने लग जाए तो व्यूज भी आएंगे और ऑडियंस भी। एंड इसका सिंपल रीजन है, लॉन्ग वीडियोस में लोग तुम्हें ज्यादा देर तक देखते हैं तो तुम्हारा कनेक्शन मस्त बिल्ड होगा। वहीं शॉर्ट्स चैनल की ग्रोथ ना काफी जल्दी हो जाती है बिकॉज यूट्यूब शॉर्ट्स में डिस्कवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रीजन सिंपल है, जहां एक घंटे में लोग यूट्यूब पर केवल 5-10 वीडियोस ही देख पाते हैं, वो उसी एक घंटे में बड़े ही आराम से 50 से भी ज्यादा शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो लाइक हाँ, ये भी एक रीजन है कि शॉर्ट्स पर आलतू फालतू चैनल्स भी ग्रो हो जाते हैं। बट जो भी, शॉर्ट्स बनाने में तुम्हें उतनी ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगती। आइडिया ढूंढने में तो दिमाग लगेगा बट लाइक बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है। बट शॉर्ट्स के साथ एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है एंड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, बट लाइक इसकी वजह से तुम लंबी वीडियोस पर व्यूज नहीं ला पाओगे। एंड जैसे कि मैंने कहा, लंबी वीडियोस के बना कनेक्शन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट टफ। सो चलो 3 स्टेप स्ट्रेटेजी में उस पूरी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को साथ में ही समझ लेते हैं। स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1, मेक शॉर्ट्स एंड ग्रो फास्ट। तुम्हें यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो एक शॉर्ट्स चैनल ग्रो करना होगा। अब बिना बनाए ही चैनल तो ग्रो कर नहीं लोगे, तो या स्टेप 1 से पहले स्टेप 1 होगा, पहले यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल बना दो लो। अब जब तुम एक शॉर्ट्स चैनल बना लोगे, इसे ग्रो करने के लिए मैंने काफी तगड़ी स्ट्रेटेजीज इस वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई हैं एंड और भी वीडियोस बनाते रहूंगा, बट अभी शॉर्ट्स पर व्यूज लाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 होगा कि तुम्हारे शॉर्ट के जो पहले 3 से 6 सेकंड्स हों वो अटेंशन ग्रैबिंग होने चाहिए जिससे लोग उस शॉर्ट पर रुके। प्लस उन्हीं 3 से 6 सेकंड्स में लोगों को शॉर्ट को एंड तक देखने का एक रीजन भी मिल जाना चाहिए। बेसिकली नीड या एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी भी क्रिएट हो जानी चाहिए, तभी वो वायरल जाएगी। इसके अलावा तो बस मेक श्योर की ऑडियो क्वालिटी सही हो, टॉपिक अच्छा होना चाहिए एंड चैनल की एक ओवरऑल थीम भी होनी चाहिए जिससे उसकी एक रिकॉल वैल्यू बन जाती है। जब ऐसा होना शुरू होगा, ट्रस्ट मी, शॉर्ट्स चैनल मस्त ग्रो होगा। अब इससे पहले कि हम स्टेप 3 को यूज करके यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस ग्रो करें एंड एक काफी तगड़ी कम्युनिटी बना पाए, बात करते हैं शॉर्ट्स की काफी बड़ी प्रॉब्लम की इन स्टेप 2, यानी दी लेफ्ट आउट स्किल ऑफ क्रिएटिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। तो काफी लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इसलिए बनाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यार इस पर तो ग्रो करना काफी आसान है और जल्दी भी हो जाता है, तो हम भी पहले कुछ भी करके शॉर्ट से ग्रो हो जाते हैं और फिर ऑडियंस तो आई जाएगी ना, कर लेंगे उन्हें लॉन्ग वीडियोस पर शिफ्ट। बट ऐसा हो नहीं पाता एंड यही है यूट्यूब शॉर्ट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पर एल्गोरिथम ऐसा होता ही क्यों है? जब ऑडियंस ऑलरेडी बन जाती है, व्यूज आते हैं, तो वो दूसरे चैनल पर क्यों नहीं जाते हैं? एंड इसका रीजन है कि शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस बनाना दोनों बिल्कुल अलग अलग गेम है। शॉर्ट वीडियोस बनाते टाइम तुम्हारा एम केवल सामने वाले इंसान को 10, 20, 30 या मैक्स टू मैक्स 60 सेकंड्स तक बस रोकने का होता है। वहीं लॉन्ग वीडियोस में तुम्हें एक तगड़े इंट्रो के साथ लोगों की अटेंशन तो ग्रैब करनी ही पड़ेगी। यू विल आल्सो नीड टू प्रोवाइड समथिंग ऑफ वैल्यू, अब चाहे वो एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट। तो शॉर्ट्स में इफ यू आर चार्मिंग इनफ एंड तुम किसी बढ़िया से गाने पर थोड़े से डिसेंट से स्टेप्स भी कर दो, तुम्हारे व्यूज आ सकते हैं। बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में तुम्हें दिमाग लगाना होगा कि यार इन स्टेप्स से एक 5 से 7 मिनट की वीडियो बनेगी भी कैसे, व्यूज तो बाद की बात है, पहले वीडियो तो बने। देखो, इसमें एक और मिथ खत्म कर दूं। लोगों को लगता है कि अगर उनको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना आता है तो शॉर्ट तो बच्चों का खेल होगा। बट ये कुछ ऐसी बात हुई कि एक मूवी डायरेक्टर प्रोड्यूसर गए कि मैं तो पूरे 3 घंटे की मूवी बनाता हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना तो बच्चों का खेल होगा। नहीं दोस्त, हर टाइप के कंटेंट में बिल्कुल अलग ही टाइप की स्किल्स लगती है। यू कैन बेनिफिट इफ यू नो थिंग्स अबाउट वन कंटेंट फॉर द अदर, बट मेजॉरिटी नया ही सीखोगे। सो यस, स्टेप 2 बड़ा ही सिंपल होगा। अगर तुम सही में चाहते हो कि तुम पहले शॉर्ट चैनल ग्रो करो एंड फिर उसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को प्रमोट करके ओवरऑल कम्युनिटी भी बढ़िया बना पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट्स बनाओ। बट साथ में शुरू से ही लॉन्ग वीडियोस बनाना मत भूलना, इनको सीखने में टाइम लगता है, तो प्रैक्टिस शुरू से ही चालू रखना, वरना बाद में तुम मौके का फायदा नहीं उठा पाओगे एंड फिर अपनी किस्मत को दोष दोगे, विच वोंट मेक सेंस। तो मान लेते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 के हिसाब से तुम अपने शॉर्ट्स चैनल को ग्रो कर लेते हो एंड फिर विद प्रैक्टिस इवन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी अच्छा बनाना सीख जाते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम शॉर्ट्स चैनल से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को प्रमोट कैसे करें। ओके, सो वैसे तो इसका बेस्ट तरीका होगा नंबर 3, बट उससे पहले बात कर लेते हैं तरीके नंबर 1 की, यानी तुम लोग अपनी वीडियोस का ट्रेलर बनाकर अपने शॉर्ट्स चैनल में डाल सकते हो। लेट्स से तुमने अपनी लॉन्ग वीडियो में 5 गैजेट्स के बारे में बताया, तो तुम अपनी शॉर्ट वीडियो में बस 3 गैजेट्स के बारे में बस शॉर्ट में बता दो एंड कह दो कि पूरी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करो एंड दूसरे चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देख लो। ऐसे ही कई तरीके हैं जिसे तुम अपनी लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट्स वाले चैनल पर आराम से टीज कर सकते हो। तरीका नंबर 2 होगा कि अपने नॉर्मल चैनल को अपने शॉर्ट्स चैनल के चैनल टैब, इंस्टाग्राम अकाउंट, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड जहां मिले सभी जगह पर प्रमोट करना शुरू कर दो। इससे
तुम्हें कुछ फायदा तो जरूर होगा, बट असली फायदा होगा तुम्हें तरीके नंबर 3 से। तो अब ये तरीका कौन सा है, इसके बारे में मैं अपनी ही किसी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हो सकता है तुम्हारे शॉर्ट्स पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हों, बट जब तुम सेम चैनल पर ही लॉन्ग वीडियोस डालोगे ना, YouTube से उतने इंप्रेशंस नहीं देता है एंड हेंस तुम्हारे उस पर उतने व्यूज भी नहीं आने वाले हैं। बट अगर शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं तो YouTube में भी लॉन्ग वाली वीडियोस को उतने इंप्रेशंस ना दे, बट वो कम्युनिटी टैब की रीच मस्त कर देने वाला है। ऐसे में तरीका नंबर 3 होगा कि अपनी लॉन्ग वीडियोस को कम्युनिटी टैब में अच्छे से प्रमोट करना। पर एल्ग्रो, हमारा कम्युनिटी पोस्ट तो कोई देखता ही नहीं है, उसकी रीच कैसे बढ़ा सकते हैं एंड वीडियो को सही से प्रमोट कैसे करें? लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो। बाकी क्या हो अगर तुम सिर्फ शॉर्ट वीडियोस ही बनाना चाहते हो, लॉन्ग वीडियोस बनाओ ही ना, इसके बारे में मैंने राइट वाली वीडियो में बताया, तो वो देख सकते हो। बाकी कमेंट करके बताना तुम्हारा चैनल किसका है, शॉर्ट वीडियोस का या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का।